सो गाइज फाइनली हम निकल चुके हैं अब अपने बड़े पापा के घर के लिए, और हम लोग वेट कर रहे थे कि पापा आए घर लेकर, हम लोग बैठक आ चुकी है। सो फाइनली हम गाइज अब बैठ चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। अम्मी तो यहाँ पर आप फ्रेंड का वेट करते करते बहुत टाइम हो चुका है। आपको तो मालूम है कितना लंबा प्रोसेस होता है, स्कूल में जाओ फिर एप्लीकेशन वगैरह, उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है। गाइस देखो वो आ चुकी है, अरे मेरे पापा कट लेते हुए। पापा बीच में क्यों आ रहे हो, हटो पापा बीच में मत आओ, हटो। हाय आप फ्रेंड, हाय ब्लॉग बन रहे क्या? यस करना है। अच्छा तो तुझे उठा लाई मम्मी स्कूल से? वेयर वी आर गोइंग? वी आर गोइंग टू बड़े पापाज होम अफ्तारी करने। एट क्लास के बच्चों को भी बोल देती मैं, भैया को बोल देने। आप उनको बेचारे को स्कूल से उठा लिया ना आपने? यहाँ से पास पड़ेगा ना नागवी? आई थिंक सो बट आई एम नॉट कन्फर्म, वी विल वॉच एंड स्टे ट्यून्ड। क्या कर रहे हो? बाहर का धूल मिट्टी खा के आदत हो? कुछ मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। सूट चेंज कर ले, डुबू लेके आई तेरे लिए। पहुंचेंगे हम, अभी हम मंगोलपुरी पहुंचे हैं, देखते हैं। और आपका कैमरा हमेशा यूं क्यों जाता है भाई? ये ऐसे दिमाग खेल रहा है बहुत कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वी आर कमिंग आवर। तू स्कूल से आई है ना? हाँ। सबसे लंबी तो यही लग रही है। मैं भी लग रही हूँ, लंबी ऐसा नहीं है। हाँ सैंडल पहन रखी है। चल लग पर दलो। अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, गलियों से निकलते निकलते। इतना सुंदर के लाए थे हम लोग, कैसा हो गया? नहीं 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 ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी है। तो गाइस हम लोगों ने गाड़ी पूरी साफ़ कर दी क्योंकि हम लाए थे बहुत सुंदर, और यहाँ पर थोड़ा मकान बन रहा है तो वो धूल मट्टी उड़ती है, जैसे थोड़ा धूल मट्टी जम गई थी। हमने पूरी गाड़ी साफ़ कर दिया, सुथरा कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ अपने, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, रात के 1 बज गए थे। अस्सलाम वालेकुम। गाइज आपने आई थिंक कर लिया होगा अफ्तार। सो गाइज बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने पेट भर के खा लिया। आई होप आप सब ने भी खा लिया हो। सो
सो गाइस ओके स्टे ट्यून बाय गाइस अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय लव यू।